चलिए टेस्ट करते हैं कैसा है। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनने जा रहा है दाल मैगी, और यहाँ पानी मैंने गर्म कर दिया हूँ। अब ये गर्म होते ही मैं पहला दाल को पकाऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि दाल मैगी कैसे खाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये रहा दो पैकेट, ये तो टॉप रामेन लिखा हुआ है, पर ये तो नूडल्स ही है। पर इसको हम दोनों मिला के आज बनाएंगे मुकबांग वीडियो। तो यहाँ पानी गर्म हो रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं और आप लोग वीडियो पे बने रहिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टमाटर छोटा छोटा काट के रखा हूँ, और यहाँ में प्याज मिर्चा और ये रहा लहसुन। तो इनको मैं लास्ट में पकाऊंगा जब ये दाल पक जाएगा ना। ये दाल बैठा दिया हूँ, अगर ये जब दाल पक जाएगा उसके बाद में दाल में ये तड़का मारने का काम आएगा, और बहुत टेस्टी होगा। तब देखते रहिए आप लोग वीडियो पे। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं पूरा दाल जो है पक रहा है। इसको और काढ़ा करना है और इसको पकाएंगे। अभी जैसे दाल पक चुका है तो इसको हम यहाँ खाली कर देंगे। जैसे आप देख रहा है ये दाल अभी पक चुका है। अभी आगे का प्रोसेस करेंगे हम। तेल डालना है, अभी तेल डाल दिया हूँ। तो अभी ये तेल गर्म होने के लिए कम से कम 1 मिनट लगेगा। तो इसको गर्म होने देते हैं अच्छा से। तो अभी जो है तेल गर्म हो चुका है, तो हम लोग सबसे पहले डालेंगे ये काटा हुआ प्याज और मिर्चा और ये लहसुन। टमाटर को थोड़े बाद में डालेंगे, फिर इनको अच्छा से पका देना है लहसुन और प्याज को। तो अभी हम यहाँ ऐड करेंगे हल्दी। तो ये थोड़ा सा हल्का जीरा, और ये धनिया पाउडर, इससे खुशबू अच्छा आएगा। तो इनको पका लेना है अच्छा से। अभी 2 मिनट हो चुका है, तो अभी डालेंगे लास्ट में टमाटर। अभी इसको थोड़ा देर पकने के लिए हम लोग छोड़ देंगे 2-3 मिनट। तो अभी ये पक चुका है अच्छा से। अब इसमें हम डालेंगे जो दाल पकाया वाला, ये दाल पकाया वाला को इसको मिक्स करेंगे इसमें। वाओ, देखिए कितना बुरा लग रहा है। अब जो है ये बहुत टेस्ट होगा। अभी इनको पकने के लिए थोड़ा देर हम फिर ढक्कन मार के रख देंगे ताकि ये अच्छा से और सूख जाए। तो अभी देखते हैं। वाह, दाल जो बढ़िया से पक चुका है, थोड़ा काढ़ा हो चुका है। अभी इसको हम उतार देंगे, ये पक गया है पूरा बढ़िया से। तो उसके बाद ये पकने के बाद अभी मैगी का प्रोसेस करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं पानी भी उबल गया। इसमें हम डालेंगे मैगी नूडल्स, इसको पकाएंगे। इसको अच्छा से पकाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पक चुका है। अब इसको पानी को खाली करेंगे।
और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पक चुका है। अभी इसको क्या करना है, तो यहाँ में जो दाल पकाया है उस पर खाली करना है, इसको मिक्स कर देना है। और सॉरी क्या हो गया, कोई बात नहीं, छोटा मोटा गलती तो हो ही जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको मिक्स कर देना है। वाओ, बढ़िया, क्या खुशबू आ रहा है। अब हम यहाँ धनिया काटा वाला इसको यहाँ मिक्स करेंगे। वाओ, देख सकते हो कितना मजा लग रहा है। अभी ये पूरा रेडी हो चुका है, अभी इसको खाना है बस। तो बने रहिए, मैं खा के दिखाऊंगा आप सभी को, इसका टेस्ट भी मैं बताऊंगा कैसा है। तो हेलो, तो मेरा जो है मैगी दाल जो बन चुका है, तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से पक चुका है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो किसी ने भी इस तरह से मैगी खाया है क्या, कमेंट में बताइए। तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, चलिए टेस्ट करते हैं कैसा है। बढ़िया, उसके बाद दाल को पीना है। Awesome. बढ़िया,
किसी को भी ऐसे खाना है बना के खा सकता है, बहुत टेस्टी है। तो फिर नए ब्लॉग पे फिर मिलेंगे नए मुखपंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।